इस कथा का उद्देश्य सिर्फ इतना है, भारत के हिंदू जात पात में ना बट करके हिंदू एक हो गए एवं पिछड़े और बिछड़े लोगों को आगे आने का मौका मिलवे, राष्ट्र समृद्ध हो गए और साथ ही साथ आध्यात्मिकता का प्रचार इसलिए प्रचुर मात्रा में हो गए ताकि वर्तमान में जो काटने की पद्धति का नारा दिया जा रहा है, वर्तमान में जो काफिर कहकर के एवं हमारे देवस्थानों को बार बार प्रदूषित किया जाता, हमारे सनातनी त्योहारों पर बार बार उंगली उठाई जाती है, उनको ठीक से समझ में आ जावे और हिंदू राष्ट्र घोषित हो जावे। रक्षा करने की आवश्यकता सबको है और ये केवल संघ का दायित्व नहीं है, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है, संविधानिक अधिकार है कि हमें अपने उसूलों की, अपनी संस्कृति की, अपनी खुद की, अपने परिवार की रक्षा करना है। इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से, कानूनी तरीके से सरकार हमको शस्त्र का लाइसेंस भी देती है कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए ये शस्त्र रखिए, उसका लाइसेंस भी देती है। तो केवल जो है संघ नहीं, संघ के साथ साथ अब प्रत्येक भारतीय सनातन हिंदुओं को माला और भाला दोनों रखने की आवश्यकता है। और उन्होंने जो कहा कि संतों की रक्षा के लिए स्वयं सेवक बैठेंगे, बहुत अच्छा है, हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद। महाराज जी भी कटोगे तो कटोगे, देश भर में चाहे सब जगह ये बयान सुर्खियों में है। अगर उन्होंने एज ए पॉलिटिक्स के नाते कहा तो हम किसी भी राजनेता पर कोई बयान या टिप्पणी नहीं देते, पर अगर वो महंत हैं और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के नाते कहा तो बहुत सुंदर कहा है, यही हमारा ध्येय है। और इसके लिए 4 जुलाई को ऑलरेडी हमने घोषणा की थी कि हम इस देश में जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत को मिटाने के लिए, पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए पैदल जाएंगे और 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और भारत के पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाएंगे 21 नवंबर से 29 नवंबर तक। देखिए, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। राजनीति में अगर धर्म नहीं है तो राजनीति अंधी है। लेकिन एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से बता दे, राजनीति होनी चाहिए पर राजनीति में धर्म का उपयोग वोट बैंक के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति का सपोर्ट, धर्म का प्रयोग कि इस देश के राजनेता अपनी रोटियां सेकने के लिए। देखिए, हमारा ये बयान था कि आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये 2024 का जागा हुआ हिंदू है, वो 2010 वाला हिंदू नहीं है कि हिंदू हिंदू कहने के नाम पे वो डर करके अंदर घुस जाए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? एक ही देश में तो रहते हैं, क्या हम नहीं वोट देते? आज क्या खाती करके आए हो? वक्फ बोर्ड, सनातन बोर्ड का इसलिए गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड बना करके आपने आपने कहा कि इस देश की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा। तो भैया, हम सनातन वालों को तो कम से कम एक जगह छोड़ दो, एक देश में दोनों रहते हैं, वो भी रहते हैं तो हम भी रहे, या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन हो। राजस्थान में वर्तमान में लव जिहाद का बहुत बड़ा मुद्दा छाया है, यहाँ पर बहुत प्रायोजित तरीके से ऐसा कर रहे हैं। राजस्थान पूर्व भारत के युवाओं को हम प्रार्थना करेंगे, हमारे पीछे मोबाइल लेके जितने घूमते और भागते हैं उन युवाओं से हम प्रार्थना करेंगे, तुम ऐसे मत बनो कि तुम्हें किसी की सेल्फी लेने के लिए पीछे दौड़ना पड़े, ऐसी कामयाबी पाओ कि तुम्हारे पीछे लोग सेल्फी लेने के लिए दौड़े। ये धर्मांतरण पर बात करना, सनातन पर बात करना, इस देश में तलवार की धार पर चलना, ये तो पता है कि वो प्रायोजित तरीके से निपटाएंगे, हमें ये पता है, लेकिन हम कुछ करके जाएंगे हमें ये। दूसरी बात, इसका मूल कारण, कभी भी कोई हाजी या मौलवी गंदा काम करता है या पादरी गंदा काम करता है तो कभी भी उसके मजहब के लोग तूल नहीं देते। हिंदुओं की एक ही सबसे बड़ी कमी कि ये अपने गुरुओं में गुण देखने की बजाय अवगुण देखते हैं, जैसे ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, ऐसे ही हिंदू होते हैं जो अपने गुरुओं में सिर्फ अवगुण देखते हैं कि बाबा फंसेगा। आज हमारा परिवार घर से बाहर नहीं निकल पाता, अभी 10 दिन पहले 3 शूटर पकड़े गए घर के बाहर में, आपकी ही न्यूजों ने दिखाए, 3 लोग पकड़े गए, कट्टा लेकर के पकड़े गए, हमारा परिवार अकेला नहीं चल सकता, हमारा भाई अकेला नहीं जा पाता, हमारे माता पिता ने, इनके लिए फंड आता PFI से, विदेशों से फंड आता है और ये प्रायोजित तरीके से अपनाते। हम एक एक रुपया कथा का जोड़ करके कभी धर्म धर्म घर वापसी के लिए, कभी मंच लगाने के लिए, कभी कोई बेटी की शादी के लिए, जो अभी है वो तो नहीं होगी, वो होगा, सबको रहने का अधिकार होगा। जैसे यहूदियों के देश में यहूदियों को एक पावर है कि आपको कोई भी देश अगर भगा देता है तो आप यहूदियों के देश में वापस जा सकते, जैसे दुबई में सभी धर्मों के लोग रहते हैं पर विशेष पावर वहां के मुसलमानों को है,
जैसे पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं पर विशेष पावर वहां मुसलमानों को है, वैसे ही भारत में हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब यह है मॉरिशस, नेपाल, फिजी, सुरिनाम, ऑस्ट्रेलिया या इन हिंदू बहुल देशों में रहने वाले लोगों को। आज मान लो कनाडा के लोगों ने भगाया हिंदुओं को, उल्टा सीधा बोल रहे, अब अगर वो हिंदू भाग जाएंगे कहां जाएंगे, बांग्लादेश के हिंदू कहां जाएंगे। तो एक देश ऐसा होना चाहिए जो हिंदुओं के लिए होना चाहिए, इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। भारत के अंदर आत्मविश्वास कितना है ये महत्वपूर्ण है। हम वो आदमी है जो अंदर है वो बाहर, हमें अपनी गलती स्वीकार करने में 1% भी झिझक नहीं। हमने दक्षिणा ली, हमें बेटियों का ब्याह करवाना, हमें कैंसर हॉस्पिटल बनाना, हमें आदिवासी बेटियों को पालना है क्योंकि हमारे क्षेत्र, हमारा क्षेत्र ट्राइबल, वहां पर बेटियों को विवाह के नाम पर बेचते, उनके माता पिता नहीं होते, वो पलायन करते हैं, तो हमें दक्षिणा लेनी है, हमारी मजबूरी है। हमारे पिता कुछ नहीं करते तो हमें परिवार चलाने के लिए दक्षिणा लेना, दरबार हम निशुल्क चलाते हैं तो हम दक्षिणा लेते हैं, इसलिए हम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं बोलते। और हम इसलिए भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं बोलते कि अगर आप माया छोड़ दोगे तो देश को समृद्ध कौन बनाएगा। भारत अर्थ से ही समृद्ध होगा, ना कि साधु या बाबा बनाने से होगा। तो हम बाला नहीं देश को बनाना चाहते, हम इस देश को विश्वगुरु बनाना चाहते। और विश्वगुरु तब बनेगा जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब आप प्रवचन सुना करके हम बाबा बना दें तो एक आईएएस या आईपीएस मुड़ जाएगा गुजरने की वजह। तो भारत के साधुओं को ये बात समझनी पड़ेगी, जो त्यागी है उन्हें त्यागी रहना चाहिए। हिंदुओं का प्रवेश बंद हो महाकुंभ में, महाकुंभ में ऐसे क्या जितने पर्व अपने आते हैं देश भर के हिंदू पर्व सबके लिए नहीं, हमने महाकुंभ में गैर हिंदुओं, गैर सनातनियों की दुकान की लगा रोक लगाने पर हमने प्रतिबंध किया था, ना कि प्रवेश पर। कोई आना चाहे उसकी आस्था है, इस देश में रहीम को भी स्वीकार किया, रसखान को भी स्वीकार किया, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि गैर वो कोई नए आवे, सब आ सकते हैं। पर हमने धंधे की बात की थी, आप दुकानें लगा रहे हैं, आप मक्का मदीना में तो हिंदू नहीं लगाता, आपकी जो वो आते हैं मुहर्रम वगैरह आते हैं उसमें तो हमारे कपड़े नहीं बिकते हैं, हमारे गरीबों के कपड़े नहीं बिकते हैं, चादर आप हमसे नहीं खरीदते हो, फिर हम आपसे क्यों खरीदें। आपको त्रिवेणी का मतलब पता नहीं, आपको शिव अभिषेक का मतलब पता नहीं, संतों का ज्ञान नहीं, कुंभ के मान मर्यादा का आपको पता नहीं है, सनातन का आपको ज्ञान नहीं है, फिर आप क्या खाक पूजा सामग्री बेचोगे।